अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि बखैर होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बखैर हूँ। ये देखिए दूध वाली आंटी आ रही है ना, रुके मैं इनसे पूछती हूँ। ओके आंटी, क्या लेके जा रही हैं? ये ना मुझे रिप्लाई करके फौरन हट गई, पता नहीं इनके माइंड में क्या चल रहा था। फिर मैंने उनसे कहा सिर्फ एक मिनट के लिए आंटी, तो बेचारी चुपचाप खड़ी हो गई। लोग यूट्यूब पे आने से डरते हैं ना, इसलिए तो कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि गलत थोड़ी कोई कर रहा है। तो ये है मेरा गांव, मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही हूँ। इस गेट पे देखिए, इसका फूल कितना अच्छा लग रहा है ना, तो ये मुझे शुरू से बहुत अच्छा लगता है। और इसमें हल्की हल्की स्मेल भी रहती है, और जब भी मैं इसे देखती हूँ ना, तो मैं अपनी अम्मी से कहूँगी इसे लगा लीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। पहले हम लोग के जो गेट पे था ना, वो रानी कलर का था और उसमें कांटा था, तो ये डर था ना कहीं किसी के तार के अंदर चला गया तो करंट उतरेगा, तो अबू ने उसे कट कर दिया। फिर मैं आई एक गली की तरफ। आज मैं जब टहलने के लिए आई थी ना, तो मैंने एक छोटा सा बागीचा देखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुश्किल से 6-7 पेड़ रहा होगा उसमें, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैं कही कि मैं उनकी फैमिली से परमिशन लेके मैं अपने व्लॉग में लेके आऊँगी, क्योंकि विदाउट परमिशन तो मैं किसी के यहाँ से भी नहीं ले सकती हूँ ना, नहीं तो लोग ऑब्जेक्शन ना करने लगा कि मतलब बगैर परमिशन के तुमने कैसे डाल दिया, और तुम्हें नहीं डालना चाहिए था। तो हिम्मत नहीं है किसी की बात सुनने की, इसीलिए मैंने कहा पहले परमिशन ले लो। तो वीडियो बनाने से पहले ना मैं इनकी फैमिली के पास गई और उनसे इजाज़त ली, क्या मैं वीडियो बना सकती हूँ? कह रही हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बनाना स्टार्ट कर दी। ये देखिए ये है गुलाब, ये तो आमतौर से सबके यहाँ रहता है, इसे तो बताने की ज़रूरत ही नहीं। और ये पता नहीं किस चीज़ का, मैं नहीं बता पाऊँगी इसका नाम। अभी एक पौधा आ रहा है ना, ये देखिए ना, ये मुर्गे का पौधा है। इसमें ना फूल बहुत अच्छा लगता है, मतलब मखमली टाइप का रहता है। और तो ये मत सोचिएगा कि इसमें से चिकन निकलता होगा, नहीं, इसमें से चिकन नहीं निकलता। आप लोग सोचेंगे अब तो फ्री में मिलेगा, तो फ्री में नहीं मिलेगा, उसे खरीदना ही पड़ेगा। और ये है गेंदा, और इनके यहाँ एक छोटा सा पौधा था ना, उसमें पर्पल कलर का पौधा, लेकिन मुझे नहीं पता ना। ये देखिए, ये है मेरे रोड के चारों तरफ की हरियाली। और अभी बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं है ना, लेकिन जो लोग आ जा रहे हैं ना, वो मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, और मुझे बहुत अजीब लग रहा है। और ना आज मैं पहली बार निकली हूँ अपने भांजे को लेकर, तो मुझे खुद अजीब लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो करना ही ऐसा है। कब तक मैं अपने घर को दिखाती आप लोगों को? तो सूरज भी आसमान पर अपनी किरणों को बिखेरने लगा है, इसका मतलब कि सुबह हो चुकी है। तो फिर मैं यूट्यूब फैमिली, नेक्स्ट व्लॉग मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।